आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ पूजा जोशी. आज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में ए टू जेड तक कुछ अल्फाबेट्स रेडी किए. ए फॉर एडजेक्टिव. एक एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है. सेकेंड, बी फॉर बेस्ट. जब भी हम क्लास में जाए तो जो भी अपना बेस्ट है वो बच्चों को 100% दे. कंजक्शन. कंजक्शन एक वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ता है, जैसे बट और. डी फॉर डिटरमाइंस. डिटरमाइंस एक वर्ड होता है जो एक नाउन को स्पेसिफाई करता है. नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक वर्ड होता है जिस सेंटेंस में कुछ सरप्राइज या कुछ दुख होता है उस टाइप से उसको डिफाइन करता है. ए फॉर अल्फाबेट. यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड अल्फाबेट्स, लेटर्स ऑफ इंग्लिश. What read in books, suppose this is a book, you don't have an idea of what is this word. So first of all, you have to understand this is a S. So first you understand alphabets of English, then you read a word. Second is, agar you have no idea about it, so you start your beginning. Now beginning, you have to begin to start learning, and then you start to learn this word. You put your efforts on it and you learn this word. This is S C I E N C, this type. This is a third is a communication. You have to increase your communication where you communicate to each other in English. Also, this because of we domestic animal, wild animal. जो जंगल में रहते हैं उनको wild animal बोलते हैं और जो घर में हम पालते हैं उनको domestic animal बोलते हैं. बिफोर बुक एंड मैथ्स. मैथ्स की बुक्स और हिंदी बुक्स. और सी फॉर कंप्यूटर. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमारे बहुत उपयोग में आती है. डी फॉर डायलॉग. डायलॉग दो व्यक्ति के बीच में बातचीत करते हैं तो उसे डायलॉग कहते हैं. ई फॉर अर्ली. अर्ली मॉर्निंग. हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और स्कूल भी तैयार होकर